तो इस एपिसोड को देखने से पहले आप लोगों को एपिसोड एक देखना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू वॉच, आपको एपिसोड एक देखना पड़ेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। तो लास्ट वाले एपिसोड में मैंने स्पॉन हुआ इस माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड में एज ए एंडरमैन। देन मैं बेसिक टूल्स बनाए एंड नीचे जाकर डायमंड माइनिंग करना स्टार्ट किया एंड मुझे जो डायमंड मिला था उससे मैं मेरे लिए डायमंड का बहुत सारे टूल्स बना लिया। देन मैं मेरे लिए एक मस्त सा नेदर पोर्टल बनाया एंड नेदर पे जाके मुझे एक बेस्टियन मिल गया था। तो मैंने बेस्टियन से बहुत सारे गोल्ड उठाए एंड उन गोल्ड का इंगट बना के मैंने पिगलिन भाई को बेच दिया। तो ट्रेडिंग से हम लोग को बहुत सारे एंडर पर्ल्स, ऑब्सीडियन, फायर रेजिस्टेंस का पोशन एंड बहुत सारे टट्टी सामान भी मिल गया। देन मैंने नेदर फोर्ट्रेस पे जाके बहुत सारे ब्लेज को मारकर उनसे ब्लेज रोड गट्ठा किया एंड देन वीडियो को मैंने एंड कर दिया। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ सर्वाइविंग एज एंडरमैन इन हार्डकोर पार्ट 2। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग 100 डेज सर्वाइव करेंगे इस माइनक्राफ्ट का हार्डकोर वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं हम लोगों को एक अच्छे से घर बनाना है एंड एंडर ड्रैगन को भी मारना है। तो यहाँ पर हमारा नेदर का सारा काम तो खत्म हो गया, तो फिर यहाँ पर हम लोग एक नेदर पोर्टल बनाते हैं एंड सीधा हमारा ओवरवर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले जाके हमारे वर्ल्ड का जो एंडर ड्रैगन है उसको मार के आते हैं, देन हम लोग हमारे घर बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग तो एंडरमैन है इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक टेलीपोर्टर है जिससे हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग को बेस्टियन से एक नेदरराइट का इंगट मिल गया है जो कि हम लोग बाद में यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर से ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बनाते हैं, इनसे हम लोग दो एंडर पर्ल बना के हम लोग निकल पड़ते हैं एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक आई फेंडर फेंकते हैं, ए सीधा ओके पीछे जा रहा है, यानी कि हमारा एंड पोर्टल पीछे ही कहीं है। एंड इस जॉम्बी को देखो, यहाँ पर मेरा आई फेंडर उठा के भागने का कोशिश कर रहा है। कुछ भी, तो मैं उन जॉम्बी से आई फेंडर लेकर सीधा निकल पड़ा हम लोग एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास 2 टेलीपोर्ट का पावर है, तो फिर यहाँ पर मैं हम लोग बहुत इजीली यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट करते करते जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाते रहा एंड बीच रास्ते में मुझे एक बहुत सुंदर सा एक जगह मिला। यहाँ पर मैं दोनों साइड से माउंटेन एंड बीच में से एक सुंदर सा रिवर जा रहा है। आप लोगों को भी इस जगह को मस्त लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड यहाँ पर मैं भूल ही गया था कि एंडरमैन को पानी से डैमेज होता है। A few moments later. Okay, तो I think यहाँ पर हम लोग को at last end portal का location मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मैं आई फेंडर नीचे जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग नीचे के खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या end portal मिलते हैं कि नहीं। ओके, तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। इस मॉसी स्टोन ब्रिक्स को देखकर मुझे पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड में टॉर्च लगाते एंड पोर्टल ढूंढते हैं, नहीं तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड में हम लोग घूम जाएंगे क्योंकि ये एक भूल भुलैया टाइप है। ओह, हम लोग की इतना जल्दी एंड पोर्टल मिल भी गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्मॉलर तोड़ते हैं एंड यहाँ पर मैं आई फेंडर से हम लोग इस पोर्टल को कम्प्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंड पोर्टल एकदम रेडी है एंड लगे आते हैं यहाँ पर हम लोग हमारा खाना भी स्मेल करके देते हैं, क्योंकि एंडर ड्रैगन को मारने के लिए हम लोग को बहुत सारा खाना भी चाहिए। एंड यहाँ पर हम मैं क्या सोचकर यहाँ पर बेड में रेस्पॉन पे सेट किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर एक बार मरने से हम लोग दोबारा से रेस्पॉन नहीं होगी क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। एंड यहाँ पर क्या ग्लिच हो गया था मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर मेरा जो हार्ट है वो हार्डकोर वाला नहीं था लेकिन मोड हार्डकोर ही था, लेकिन बाद में फिर से हार्डकोर डील भी आ गया था। अजीब गरीब ग्लिच हो रहा है माइनक्राफ्ट पे। तो एंड वर्ल्ड पे आके मैं यहाँ पर कोबलस्टोन लगा के ऑब्सीडियन वाला टावर पे चढ़ा एंड टावर पे जो एंड क्रिस्टल्स था उनको फोड़ दिया। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारा क्रिस्टल को फोड़ दिया एंड देन मेरे एंड ड्रैगन का एक इंटेंस फाइट हुआ, बहुत इंटेंस फाइट। तो ऐसे ही मैंने इस वर्ल्ड का एंडर ड्रैगन को मार दिया एंड मेरा बिरादरी का लोगों को इस चिपकली से, काले चिपकली से आजाद कर दिया। ओके, तो हमारे एक काम तो डन, अब हम लोग को हमारे लिए बहुत अच्छे से घर बनाना होगा जिसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे एंड पोर्टल के ऊपर ही हम लोग हमारा घर बनाए क्योंकि इस जगह बहुत प्लेन है। तो मैंने एक शवल बनाई एंड नदियों का किनारे गया एंड वहाँ पर से बहुत सारे सैंड एंड ग्रेवल माइन किया। एंड यहाँ पर एक चीज मुझे ध्यान रखना है कि मुझे पानी वाला ग्रेवल एंड सैंड नहीं लेना, क्योंकि एंडरमैन को पानी से डैमेज मिलता है, जो कि पानी के बाहर है उनको मैंने यहाँ पर मैं माइन किया। तो इसको करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पानी के बाहर बहुत कम स्पॉन होते हैं सैंड एंड ग्रेवल। तो सैंड एंड ग्रेवल के साथ साथ मुझे यहाँ पर मैं बहुत सारे ग्लासेस, आयरन एंड वुड प्लैंक्स एंड बहुत सारी चीज चाहिए। आई थिंक इस सारे आइटम को इकट्ठा करने के लिए मुझे 4-5 दिन तो लगेगी, तो या इकट्ठा करते हैं। 2000 years later. So, okay guys, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया एंड इस प्लेटफॉर्म का ऊपर हम लोग हमारा बेस बनाएंगे एंड बेस बनाने का सारा आइटम यहाँ पर मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया हूँ, तो या अब बनाते हैं।
तो क्या आप लोग रेडी हो हमारे इस शानदार से घर को देखने के लिए? नहीं। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1, देख लो हमारे प्यारा सा एंडरमैन हाउस। ओह माय गॉड, वाओ। ये घर एकदम हमारा थोपड़ा से मैच करता है। घर के अंदर आप लोगों को घुसने के बाद पहले एक आयरन का एन्चेंटेड आर्मर देखने को मिल जाएगा, जिसको बनाने का चक्कर में मेरा पूरा का पूरा एक्सपी चला गया, जो कि हम लोग को एंडर ड्रैगन से मिला था। एंड इसके बगल में है एक मास्टर वाले लाइब्रेरी विद एन्चेंटेड टेबल। एंड ऊपर वाले रूम है मेरा बेडरूम, जहाँ पर मैं बेड, चेस्ट, फर्निस एंड अदर बहुत सारे सामान यहाँ पर रखी हुई है, जो कि हम लोग को बहुत काम आता है। एंड इस पूरा का पूरा घर का नीचे हम लोग फ्लोरिंग किया है कार्पेट से, रेड एंड व्हाइट कार्पेट। बाहर आप लोग एक नेदर पोर्टल देखने को मिल जाएगा। नेदर पोर्टल के पीछे छोटा सा मैंने एक वर्फ फॉरेस्ट बनाया है। एंड इसके बगल में है बहुत सारे शीप, जिनका उल से मैं पूरा का पूरा घर का कार्पेटिंग किया है। तो आज के वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब करना। एंड इस वीडियो का पार्ट 1 आप लोग को देखना चाहते हो तो फिर आपका स्क्रीन पे आ रहे हैं, वहाँ पर से देख सकते हो। एंड आप लोग अगर इस एनवायरनमेंट वाला मॉड को ट्राई करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर सब देख सकते हो। तो मिलता है आप लोगों से किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।